अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट कुकिंग विद अंजू। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कबाब, जिसे सीख कबाब भी कहते हैं, जो बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर आधा के जी बीफ का कीमा। इसमें मैं हाफ कप धनिया डालूँगी, हाफ कप पुदीना, दो प्याज जो रफली चॉप किए हुए मैंने, तीन से चार हरी मिर्च, ये है एक स्पून लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से बारीक नमक, हाफ स्पून अदरक, ये है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च की, ये है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ स्पून। इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डालेंगे इससे कलर अच्छा आएगा कबाब में। अच्छी तरह से मिक्स करके इनसे बारीक पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो पीस लें, या फिर ग्राइंडर है। अच्छी तरह से मिला लें। इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसमें, ये है भुना हुआ बेसन का आटा, इसे भून कर ही लें, कच्चा यूज ना करें। एक कप के करीब है, और एक छोटा स्पून काली मिर्च का पाउडर, एक स्पून घी, इसमें मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे मिक्स करके तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। आधे घंटे के बाद ये सेट हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। मैं इस तरह का सीख ले रही हूँ। हाथों से पहले राउंड कीजिए। हल्के हाथों से प्रेस करके शेप दीजिए इसे। इस तरीके से सारे कबाब्स बना लेंगे। जिपलॉक बैग में डालकर 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो, आधे घंटे पहले निकाल लें और फिर शैलो फ्राई करें। मैं आपको तल के भी दिखाती हूँ। कबाबों को शैलो फ्राई करते हैं। मैंने ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। पैन गरम होने के बाद मैं कबाब डालूंगी। इसे ज़्यादा पलट पलट कर ना पकाएं, थोड़ी 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड पकने दें, उसके बाद पलटा के दें। हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलटा के दें। यकीन कीजिए इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अब इसे भी 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। माशाल्लाह
कितना ही प्यारा कलर आया है। अब ये तैयार हो चुके हैं, अब हमें डिश आउट करते हैं। तो मैंने डिश आउट कर लिया है, तो टेस्ट करते हैं हमारे कबाब। कबाब के साथ हरी चटनी भी मैंने घर पर ही बनाई है, बनाकर स्टोर करके रख दिया है। रमज़ान के महीने में आसान होगा। माशाल्लाह देखिए कितना इजीली टूट रहे हैं।